रूपनगर काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने नशीले पाउडर का रैकेट चलाने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर को काबू किया है। पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 700 ग्राम पाउडर की रिकवरी की है। आरोपी गांव मलकपुर में गुरुद्वारा साहिब के निकट दुकान करता था और दुकान पर उसने पतंजलि का बोर्ड लगा रखा था ताकि उसका गोरख धंधा चलता रहे। रूपनगर काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर पाल सिंह ने बताया कि हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले अनिल कुमार को टीम ने मौके पर नशीले पाउडर समेत गिरफ्तार किया है। उसने 3 किलो 700 ग्राम नशीले पाउडर बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी बोलो। अनिल कुमार एक झोला छाप डॉक्टर से ये मलकपुर के पतंजलि का बोर्ड ला के नशीला पाउडर वेचण का धंधा करता है। 4-5 साल तो फड़िया उतों जिदे को मौका पर तो 3 किलो 700 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। तो वो खिलाफ़ जरा एक मुकदमा नंबर 121 जे धारा 21-22-65 NDPS एक्ट के तहत थाना सदर विखे मुकदमा दर्ज कराया। 1-1.25 लाख का नशीला पाउडर जोड़ा ये वेच के जाता है तो जोड़े लोगों सेहत नाल बड़े पद्धर से जरा खिलवाड़ कर रहा है। ये कितों का रहने वाला से किस तरह करता है धंधा? यह हरियाणे का रहने वाला असंध है यदा पिंड डिस्ट्रिक करनाल है। उत्थों रोज़ यह अप डाउन करता बेचता हों ये नशा छुड़ाउण दे जिहड़ी आड़ दे विच ये जिहड़ा नशा बेचता सी। पर जिहड़ा नशीला पाउडर है ये बिल्कुल ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मकदार च है। एन स्टार न्यूज़ के लिए रूपनगर से जसवीर सैनी की रिपोर्ट।